गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग सिंपल इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। कंसीडर एन इक्वालिटी। आपके पास एक इक्वालिटी है, जैसे कि एग्जांपल 8-3 इज इक्वल टू 4+1। इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 5-5। इफ वी एड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वालिटी इट स्टिल होल्ड्स। इसका मतलब अगर हम कोई भी इक्वालिटी में दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड करते हैं, एक से नंबर हम ऐड करते हैं इक्वालिटी में, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। फॉर एग्जांपल 8-3+2 इज इक्वल टू 4+1+2। अगर हम इसमें इक्वेशन में 8-3 में अगर हम 2 ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में भी अगर हम 2 ऐड करते हैं, तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इक्वेशन में भी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इट स्टिल रिमेन सेम। वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वालिटी इट स्टिल होल्ड्स। फॉर एग्जांपल 8-3-2 इज इक्वल टू 4+1-2। अब देखिए, हम वही इक्वेशन में सेम नंबर दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी -2 दोनों तरफ हम कर रहे हैं, तो भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, आपकी इक्वालिटी कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वालिटी बाय द सेम नॉन जीरो नंबर इट स्टिल होल्ड्स। दीज आर यूज टू सेपरेट द वेरिएबल फॉर सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस। सेम, अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दोनों नंबर एक से इक्वालिटी के साथ, तो आपकी इक्वालिटी पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। फर्स्ट x-1 इज इक्वल टू 0। हमें x-1 गिवन है, हमें x के पास -1 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स। x-1+1 इज इक्वल टू 0+1। अब देखिए, -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 बन जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, x बचेगा और राइट हैंड साइड 0+1 क्या हो जाएगा, 1, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1। आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। बी पार्ट x+1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, +1 है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ द साइड्स। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स, x+1-1 इज इक्वल टू 0-1। +1-1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू -1। थर्ड पार्ट x-1 इज इक्वल टू 5। अब देखिए, -1 को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 1, एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स। तो देखिए, x-1+1 इज इक्वल टू 5+1। -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका, x, और 5+1 क्या होगा, 6, तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 6। डी पार्ट x+6 इज इक्वल टू 2। अब +6 को सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -6। तो देखिए, x+6-6 इज इक्वल टू 2-6। +6-6 कैंसिल हो जाएंगे, आपकी वैल्यू x की क्या आएगी, -4, क्योंकि 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, और बड़ी डिजिट का सिंबल। क्वेश्चन नंबर 2। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। 3l इज इक्वल टू 42। देखिए, l आपका मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई को हमको रिमूव करना है, तो हम उसी नंबर का डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड को रिमूव करना है, तो हम उसी नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, l मल्टीप्लाई में, तो हम इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ एक ही नंबर के साथ, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स। 3l इज इक्वल टू 42। 3l को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो 3l डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आता है आपका 14। l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। b
बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू सिक्स। अब देखिए डिवाइड में है तो डिवाइड को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय टू ऑन बोथ द साइड्स, जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू। टू से टू कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, बी इज इक्वल टू सिक्स टू ज ट्वेल्व, तो आपका आंसर आएगा बी इज इक्वल टू ट्वेल्व। सी पी बाय सेवन इज इक्वल टू फोर। अब देखिए सेवन डिवाइड में है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय सेवन ऑन बोथ द साइड्स, तो आपको मिलेगा p डिवाइडेड बाय 7 इंटू सेवन इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाय 7। p अपॉन 7 इंटू सेवन, सेवन से सेवन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ओनली p, और वहाँ पे बचेगा 4 इंटू सेवन इज इक्वल टू 28। p की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 28। 4x इज इक्वल टू 25। अब देखिए x आपका मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। सो डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ द साइड्स, तो 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4। आपको 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू आएगी 25 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6, करेक्ट 1/4। या आप इसका आंसर पॉइंट में भी ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ए 3n-2 इज इक्वल टू 46। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम माइनस टू को सेपरेट करते हैं, सबसे पहले हम प्लस माइनस वाले सेपरेट करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई या डिवाइड पे आते हैं। देखिए इसमें माइनस टू है तो हम क्या करेंगे, एडिंग टू ऑन बोथ द साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, 3n-2 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2। माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा 3n इज इक्वल टू 48। अब देखिए 3n मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स, आपको मिलेगा 3n/3 इज इक्वल टू 48/3। 3n/3 से 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, जब हम 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16। सो द सॉल्यूशन इज n इज इक्वल टू 16। आपकी n की वैल्यू क्या आ गई इसमें, 16। सेकेंड पार्ट, 5m+7 इज इक्वल टू 17। अब देखिए प्लस है तो हमें पहले प्लस वाले सेपरेट करना पड़ेगा, प्लस को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ द साइड्स, 5m+7-7 इज इक्वल टू 17-7। प्लस 7-7 कैंसिल हो जाएंगे तो आपका क्या आएगा, 5m इज इक्वल टू 10। 17-7 क्या आता है, 10। अब देखिए मल्टीप्लाई में हो गया, मल्टीप्लाई को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ द साइड्स, तो 5m/5 इज इक्वल टू 10/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, 10 को 5 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा, 2। तो आंसर क्या आएगा, m इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ए 10p इज इक्वल टू 100। देखिए p मल्टीप्लाई में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स, तो 10p डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, आपका क्या आएगा, p, और 100 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर क्या आएगा, 10। तो p इज इक्वल टू 10। सेकेंड पार्ट में 10p+10 इज इक्वल टू 100। सबसे पहले प्लस में है, प्लस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ द साइड्स, 10p+10-10 इज इक्वल टू 100-10। देखिए प्लस 10 और माइनस 10 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा आपका, 10p इज इक्वल टू 90। अब p मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स, 10p डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, p इज इक्वल टू 90 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है, 9। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। सी पी डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। डिवाइड में है, मल्टीप्लाई से रिमूव होगा, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ द साइड्स, p/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4।
पी बाय फोर इंटू फोर है तो फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा और फाइव फोर जो होता है ट्वेंटी, तो आपकी इसमें पी की वैल्यू क्या आ जाएगी ट्वेंटी। डी क्वेश्चन है माइनस पी डिवाइडेड बाय थ्री इज इक्वल टू फाइव, डिवाइड में है मल्टीप्लाई करने से रिमूव होगा तो मल्टीप्लाइंग, अब देखिए टर्म में माइनस लगा हुआ है तो हमें मल्टीप्लाई माइनस थ्री से करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बाय माइनस थ्री ऑन बोथ द साइड्स, माइनस पी डिवाइडेड बाय थ्री इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव इंटू माइनस थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे प्लस, आपका वेरिएबल काय में आ जाएगा प्लस। अब देखिए माइनस पी इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा पी इज इक्वल टू फाइव इंटू माइनस थ्री, फाइव थ्री जब फिफ्टीन होता है और माइनस का सिंबल, आपका सॉल्यूशन का आंसर क्या आ जाएगा पी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन। थैंक्स चिल्ड्रन।